और मित्रों इतनी जोर से दबाना, वो बटन की करंट से ही 8 तारीख की शाम को शाहीन बाग वाले उठ कर चले जाए। अरे अमित जी, शाहीन बाग की माओ से इतनी कुंठा क्यों? शाहीन बाग से आखिर भारतीय जनता पार्टी को डर क्यों लगता है? क्योंकि पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी, सबसे ऊपर से लेके सबसे नीचे तक, सब शाहीन बाग के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें बदनाम किया जा रहा है, उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है, उन्हें पाकिस्तान परस्त बताया जा रहा है। मगर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रविवार को शाहीन बाग में किस कदर अद्भुत नजारा दिखा। सबसे पहले देखिए इन तीन माओ ने, दबंग दादी रोहित वेमुला की मां और जुनैद की मां ने तिरंगा फहराया। और उससे पहले रात 12 बजे संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा गया। हम भारत के लोग, भारत को एक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक कि शाहीन बाग में संविधान की मर्यादा को भी रखा गया और गर्व से तिरंगे को भी फहराया गया। तो फिर क्यों कहते हो कि शाहीन बाग में देशद्रोह चल रहा है? आज न्यूज चक्र में हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी वैचारिक संस्था है, वो इन तीन मुद्दों पर कितनी खरी उतरती है, तिरंगा, राष्ट्रगान और संविधान। और जो नतीजे मैं आपको दिखाने वाला हूं वो चौंकाने वाले हैं। हालांकि मुझे हैरत नहीं हो रही है, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में हमने देखा है कि आरएसएस का तिरंगे में, संविधान में कितना विश्वास रहा है। मगर उससे पहले मैं आपको कल जो गणतंत्र दिवस देश ने मनाया, 71वां गणतंत्र दिवस, उसकी ये अद्भुत तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। तानिया शेरगिल, जी हां, इन्होंने कल परेड की अगुवाई की। इतिहास आपके सामने था। यह बात अलग है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने औरतों के बारे में यह शर्मनाक बयान दिया था। मैं गणतंत्र दिवस की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि शाहीन बाग की देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हां, शाहीन बाग ही नहीं, केरल जैसे राज्य की देशभक्ति पर भी सवाल उठाए जाते हैं। मगर आज मैं आपके सामने यह तथ्य रखने वाला हूं,
क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस में ये शख्स, इनका नाम है राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ये हमारे खास मेहमान थे। आज मैं इनके द्वारा कही गई 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या इस शख्स को हमारे गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाना चाहिए था, और जिस सोच ने इस आदमी को हमारे गणतंत्र दिवस का विशेष अतिथि बताया या बनाया, उनकी सोच आखिर क्या कही जाएगी। आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूं कि राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने क्या कहा है इससे पहले। पहली बात, आपके स्क्रीन पर इनके एक देश की लॉ मेकर हैं जिनका नाम है मारिया डोर सारियो। इनके बारे में उन्होंने कहा था कि मैं इनका रेप भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये बदसूरत और चरित्रहीन हैं। कितने खूबसूरत ख्यालात हैं इनके महिलाओं के बारे में, और ये गणतंत्र दिवस में हमारे खास मेहमान थे। अब इनके इस दूसरे बयान पर गौर कीजिए। कहते हैं कि अगर आपका बेटा समलैंगिक है तो उसे एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए। जी हां, इंसान को इंसान ना समझना, क्योंकि इससे पहले इन्होंने एक और बयान दिया था कि जो देश के इंडिजिनस लोग हैं, वहां के जो आदिवासी हैं, वो दरअसल इंसान नहीं है। क्या कहा जाए, ये हमारे गणतंत्र दिवस के मेहमान थे। अब इस तीसरे बयान पर गौर कीजिए। 2018 को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने सरकारी पैसे का इस्तेमाल लोगों के साथ सेक्स करने के लिए किया। चौथा बयान पर गौर कीजिए, औरतों को मर्दों के बराबर तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। और आखिरी बयान, टॉर्चर इज गुड, यानी कि यातना दी जानी चाहिए। यह शख्स जो हमारे गणतंत्र दिवस का मेहमान था, औरतों की बेइज्जती करता है, समलैंगिकों की बेइज्जती करता है, टॉर्चर को सही बताता है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी इस शख्स से क्या सीख ले रही है, देश की जनता इस शख्स से क्या सीख ले सकती है। और ऐसे में क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं है कि इस शख्स को गणतंत्र दिवस का विशेष अतिथि बनाकर हमने कहीं ना कहीं भारतीय गणतंत्र की तौहीन की है? जवाब आपको देना है। मगर मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि शाहीन बाग ने तिरंगे में अपना विश्वास जतलाया, संविधान में अपना विश्वास जतलाया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी वैचारिक संस्था आरएसएस का तिरंगा, संविधान और राष्ट्रगान के बारे में क्या कहना है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे तिरंगे की। क्या आप जानते हैं कि 1947 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने तिरंगे को अपनाया था? उसके बाद आपके स्क्रीन पर यह शख्स एमएस गोलवालकर ने अपने बंच ऑफ थॉट्स में, एमएस गोलवालकर जो कि आरएसएस के बड़े नेता रहे, उन्होंने क्या लिखा था यह मैं आपको बताना चाहूंगा। वो कहते हैं, हमारे नेताओं ने एक नया झंडा यानी तिरंगा अपनाया है। ऐसा क्यों किया? यह महज भटकाने और नकल करने जैसा है। जी हां, यह है इनके विचार तिरंगे के बारे में। बात यहां नहीं रुकती। अब इस तारीख पर गौर कीजिए, 26 जनवरी 2001, 3 शख्स प्रवेश करते हैं नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में। इनके नाम आपके स्क्रीन्स पर, बाबा मेंधे, रमेश कलंबे, दिलीप चटवानी। ये तीनों जबरदस्ती आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में तिरंगा फहराने की कोशिश करते हैं। इन्हें पुलिस के सुपुर्द कर देता है आरएसएस का एक कार्यकर्ता जिसका नाम है सुनील कथले। बाद में अदालत इन्हें छोड़ देती है। ये तीनों तिरंगा फहराना चाहते थे साल 2001 में, और आरएसएस ने इन्हें जेल भिजवा दिया। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, शायद इस घटना से शर्मिंदा हो गई थी आरएसएस। उसी के चलते जनवरी 2002 में पहली बार, यानी कि 52 साल बाद, 1950 के बाद 52 साल बाद आरएसएस अपने मुख्यालय में ध्वजारोहण करता है, तिरंगा फहराता है। अब आप जब भी किसी आरएसएस के समर्थक से मिलेंगे तो वो आपसे कहेगा, हम इसलिए तिरंगा नहीं फहरा रहे थे क्योंकि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया देश के जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं उन्हें तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं देता। दोस्तों, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कोई आरएसएस का बंदा यह कहे कि हम चूंकि प्राइवेट पार्टी हैं इसलिए हम तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, तो मैं आपके सामने 2 तथ्य दे रहा हूं। ये दोनों तथ्य उन्हें आप प्रदान कीजिए। पहला तथ्य, गौर कीजिए 1982 के
फ्लैग प्रोटोकॉल मैनुअल पर, जो आपको बता रहा है कि हम किन दिनों पर तिरंगा फहरा सकते हैं। द डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग शैल बी अनरिस्ट्रिक्टेड ऑन द फॉलोइंग ओकेजन्स: रिपब्लिक डे, नेशनल वीक 6th April to 13th April, इंडिपेंडेंस डे, महात्मा गांधीज बर्थडे और एनी अदर पर्टिकुलर डे ऑफ नेशनल रिजॉयसिंग। साफ तौर पर फ्लैग प्रोटोकॉल ये कहता है कि आप इन तमाम दिनों पर झंडा फहरा सकते हैं, बेशक आप प्राइवेट सिटीजन हो। मगर आप उन 52 सालों पर निगाह डालें, आरएसएस ने इन दिनों पर भी तिरंगा नहीं फहराया। अब मैं आपको होम मिनिस्ट्री का यह फरमान पढ़ाना चाहूंगा। होम मिनिस्ट्री का यह फरमान कहता है, द अनडिसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड इंडिया, नॉर्मली द नेशनल फ्लैग इज टू बी फ्लोन ओनली ऑन इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स, बट ऑन नेशनल डेज देर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन। तो आपने देखा कि चाहे होम मिनिस्ट्री हो या जो फ्लैग कोड मैनुअल हो, दोनों जगह लिखा हुआ है कि आप खास दिनों पर तिरंगा फहरा सकते हैं, मगर आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी को अधिकार है कि वो शाहीन बाग को देशद्रोही करार दे, पाकिस्तान परस्त करार दे? ये तो आपको फैसला करना है कि देशद्रोह कौन कर रहा है, राजद्रोह कौन कर रहा है, कौन देशद्रोही रहा है। अगर हम पिछले 70 सालों के इतिहास पर निगाह डालें तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान के बारे में, जी हां, देश के संविधान के बारे में आरएसएस का क्या कहना रहा है। एमएस गोलवालकर एक बार फिर क्या कह रहे हैं, हमारे संविधान में कुछ नया नहीं है, यह दुनिया के पश्चिमी देशों के दूसरे संविधानों और लेखों से चुराया गया लगता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम अपना कह सकें। यही नहीं दोस्तों, जनगणमन, आप जानते हैं कि राष्ट्रगान को लेकर किस तरह से सिनेमा हॉल्स में इनके विचार से जुड़े लोग लोगों की पिटाई करते हैं जब वो राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होते हैं। मगर आरएसएस का खुद का क्या मानना रहा है जनगण के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहूंगा इन दो मिसालों के जरिए। भैया जी जोशी आपके स्क्रीन पर, क्या आप जानते हैं भैया जी जोशी ने क्या कहा था कि जनगण मन दरअसल राष्ट्रगान नहीं होना चाहिए। उनका यह कहना था कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाया जाना चाहिए, तो यह तो इज्जत है। यही नहीं दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आरएसएस ने सिलसिलेवार तरीके से राष्ट्रगान को बदनाम करने के लिए एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया था। आपके स्क्रीन पर रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी वजह से आज हम बुलंद आवाज में जनगण मन गाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आरएसएस ने क्या प्रोपेगेंडा चलाया था कि दरअसल जनगण मन गाया गया था किंग जॉर्ज पंचम को खुश करने के लिए, जी हां, और वंदे मातरम को राष्ट्रगान इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि मुसलमान उससे नाराज हो जाते थे। यानी कि तिरंगा को बदनाम करो, संविधान को बदनाम करो और जनगण मन को बदनाम करो। ऐसे में दोस्तों ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को शाहीन बाग से करंट क्यों लगता है? आखिर कपिल मिश्रा जैसे छुटभैया नेताओं को, ट्रोल्स को अधिकार है शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान कहना, देशद्रोही करार देना, जो कि संविधान में अपनी पूरी आस्था जतला रहे हैं। और जाते जाते दोस्तों आपके सामने ये तस्वीर, क्या आप जानते हैं कि कल केरल में 620 किलोमीटर लंबी चेन बनाई गई थी? जी हां, यह चेन बनाई गई थी फैज के नगमे गाए गए थे, और सिर्फ यही नहीं, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई थी। तो आगे से जब आपको कोई देशद्रोही बताए तो उसे यह बताइएगा कि मेरा संविधान में अटूट विश्वास है, मेरा देश के तिरंगे में अटूट विश्वास है, मेरा जन गण मन में अटूट विश्वास है, और फिर उन्हें उनका इतिहास जरूर बताइएगा। न्यूज चक्र में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।